Hi friends, very good morning, namaste, jai hind, khamagani, jaipur. मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और अभी मैं खड़ा हूँ ये निवारू रोड पे और ये आप देख रहे हैं भेजी का चौराहे की तरफ रोड है और ये मार्केट और जैसे ये सामने आप देख पा रहे हैं ये जूम किया और ये जय अंबे हॉस्पिटल है और इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं अभी 3BHK इंडिपेंडेंट हाउस के लिए। और ये हम अभी चल रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये सेंट टेरेसा स्कूल, ये जो रोड है सेंट टेरेसा स्कूल की तरफ जाता है और इसी से फर्स्ट जो डिवाइडर है उसी से राइट साइड में हम ये आप देख पा रहे हैं राइट साइड टर्न लिया हमने और ये कल्याण धाम कॉलोनी के लिए अभी हम चल रहे हैं जहाँ पर 3BHK इंडिपेंडेंट हाउस डुप्लेक्स विला है जो कि 72 गज में है। और ये देख लीजिए आप, ये बोर्ड लगा हुआ है कल्याण धाम और राइट साइड में हमने टर्न लिया, दोनों साइड से इसमें जा सकते हैं। हम राइट साइड से अभी चल रहे हैं, राइट साइड पे जैसे टर्न लिया फिर वापस हम ये इसी रोड के साथ साथ चल रहे हैं और सामने ये टंकी दिखाई दे रही है, टंकी से लेफ्ट साइड में हम चलेंगे जहाँ पे कल्याण धाम कॉलोनी है, ये देख पा रहे हैं आप। और इसी के सामने ये हमने टर्न लिया और ये जो आपको देख पा रहे हैं ये लैंडस्केप पार्क है, ये JDA का ये पूरा लंबा पार्क है आगे तक इसी कॉलोनी में और इसी से पार्क के बीच से ये रास्ता है कॉलोनी में अंदर जाने के लिए और इस रास्ते के दोनों साइड ये लैंडस्केप पार्क है। और ये देखिए पूरी कॉलोनी JDA अप्रूव्ड है और पूरी बसी हुई है कॉलोनी, देख पा रहे हैं आप ये, और मकान भी बन रहे हैं यहाँ पर। और इसी से हमने ये राइट टर्न किया और ये आप देख पा रहे हैं ये माइलस्टोन है येलो कलर का कल्याण धाम का लगा हुआ है और ये सामने सीधे अभी हम गए यहीं पे अपने डुप्लेक्स हैं, इससे ये आप देख पा रहे हैं सामने ये सारे डुप्लेक्स बने हुए हैं, अच्छी कॉलोनी है बसी हुई है। और इसी में ये कॉर्नर का जो डुप्लेक्स देख पा रहे हैं आप, ये डुप्लेक्स बने हुए हैं सारे, ये अपने डुप्लेक्स हैं जो कि 2 मंजिला स्वतंत्र मकान आप देख रहे हैं, कॉर्नर यूनिट भी है इसमें सेमी कॉर्नर और ये सामने आप देख पा रहे हैं JDA अप्रूव्ड 2 मंजिला स्वतंत्र मकान ईस्ट फेसिंग। और ये है कल्याण धाम कॉलोनी जो कि निवारू रोड पे है और ये कॉर्नर मकान है, इसमें हम अभी इसमें अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोर्च एरिया हो गया, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है जो कि एक 4-व्हीलर और एक 2-व्हीलर खड़ा हो सकता है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये आप देखिए पूरा देख लीजिए और इसी में पानी का टैंक है, ये साइड में देख रहे हैं आप पानी का टैंक जो कि 5000 लीटर कैपेसिटी का है। और अभी हम सामने जैसे ही एंटर किया हमने तो ये आप देख पा रहे हैं हॉल है, डाइनिंग हॉल काफ़ी स्पेसियस है, देख सकते हैं आप। और इसी में एक वॉल है जो कि रॉयल प्लेमे डिज़ाइन है, प्रीमियम पेंट है, ये आप देख पा रहे हैं इसकी फॉल सेलिंग डिज़ाइन, और ये वॉश बेसिन, यहाँ पर वॉश बेसिन लग जाएगा। और ये टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर पे, एक हॉल बेडरूम मास्टर बेडरूम, ये आप देख पा रहे हैं मास्टर बेडरूम है, और एक किचन, ये वार्डरोब फिटेड है, फॉल सीलिंग,
रॉयल प्ले में डिज़ाइन, प्रीमियम पेंट, एसी फिटिंग, वर्टिफाइड टाइल्स, और इसी में ये अटैच गैलरी है। ये पीछे गैलरी है, आप देख सकते हैं। ये गैलरी और ये पीछे का व्यू, बैक साइड के ओपन है जहाँ से देख सकते हैं पीछे का एरिया। और ये वापस हम हॉल में आ गए हैं, और हॉल से अटैच ये मॉड्यूलर किचन आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी शानदार। मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग नहीं है, अभी सैनिटरी फिटिंग होगी। और ये सामने जीना दिखाई दे रहा आपको, स्टील की रेलिंग, और ये स्टेयर से ग्रेनाइट का जीना है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही हमने एंटर किया, फिर वही डाइनिंग हॉल, काफ़ी स्पेसियस डाइनिंग हॉल है। हॉल सीलिंग डिजाइन, ऊपर ये एक हॉल और दो बेडरूम है। अभी जो हमने नीचे देखा था मास्टर बेडरूम, और ये कॉमन टॉयलेट है इसमें ऊपर, सामने देख रहे हैं आप, और पीछे बैक साइड में एक बेडरूम है। ये कॉमन टॉयलेट वेस्टर्न, वेस्टर्न टॉयलेट है ये। और इसी के साथ ये मास्टर बेडरूम है, वही सेम बेडरूम जो कि नीचे था। वार्डरोब वगैरह सब फिटेड है, रेडी टू पजेशन है ये मकान। ये देख सकते हैं आप, और इसमें पीछे अटैच टू गैलरी है। एसी फिटिंग है, डिजाइनिंग डोर्स लगे हुए हैं, वर्टिफाइड टाइल्स है। फॉल सीलिंग डिजाइन है, इसमें सभी कमरों में फॉल सीलिंग डिजाइन दी हुई है। और ये पीछे गैलरी अटैच है, ये देख सकते हैं आप। बैक साइड में ओपन है जो कि फुल वेंटिलेशन है, पूरी रोशनी रहती है इसमें हमेशा, सभी कमरों में रोशनी है। और इसी के साथ हम ये फ्रंट बेडरूम में चलते हैं। ऊपर दो बेडरूम है जिनमें ये फ्रंट बेडरूम है, काफ़ी बड़े साइज के बेडरूम है। ये देख सकते हैं आप, फॉल सीलिंग डिजाइन, और ये अटैच टू बालकनी है।
ये देखिए काफ़ी रोशनी है, पूरे मकान में काफ़ी रोशनी है, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है इसकी, बहुत ही बेस्ट प्लानिंग के साथ बनाया गया है। ये देखिए आप बालकनी, इसकी फ्रंट बालकनी, फ्रंट व्यू है ये। अभी हम चलते हैं, ये देख सकते हैं आप अपने छत पे, रूफ टॉप पे जाने के लिए स्टेयर्स। यहाँ पर ये तीन डुप्लेक्स हैं, जो बीच वाला डुप्लेक्स है अभी हम इसके लिए अंदर चलते हैं। सभी तीन डुप्लेक्स एक जैसे नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत फ़र्क है, इसलिए मैंने तीनों डुप्लेक्स के लिए वीडियो बनाया है। आप देखिए इसके अंदर क्या चेंजेज है, थोड़ा बहुत चेंजेज है वो आप देखने से ही पता चलेगा। वही सेम हॉल हो गया, डाइनिंग हॉल हो गया, हॉल सीलिंग। यहाँ पर ये तीन डुप्लेक्स हैं जो कि JDA अप्रूव्ड है, 90% लोनेबल है। अगर आप 10% अमाउंट देकर इनको बुकिंग करा सकते हो, बाकी लोन हो जाएगा। सेमी फर्निश्ड है, मॉड्यूलर किचन है, वार्डरोब वगैरह सब फिटेड है। और ये रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और ये जो निवारू मेन रोड है उससे तकरीबन 300 मीटर अंदर है ये डिस्टेंस है इसका। और यहाँ पर सेंट टेरेसा स्कूल है, इसके अलावा जय अंबे हॉस्पिटल है, SBI बैंक है, HDFC बैंक है, PNB बैंक है, ऑल एमिनिटीज़ हियर, और भी काफ़ी 12वीं तक की अच्छी नामी स्कूलें हैं, NBF वगैरह पब्लिक स्कूल है, इस तरह की कई स्कूलें हैं यहाँ पर। तो ये एक बेस्ट ऑप्शंस है। ये देखिए आप वो सेम मॉड्यूलर किचन जो उसमें था, यहाँ पर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो कुछ फ़र्क है इनमें जो कि है। एक तो पीछे की गैलरी में फ़र्क आएगा, इसके अलावा टॉयलेट्स वगैरह में फ़र्क आएगा, तो वो आप देखिए। ये रेडी टू पजेशन है और इनका सेमी फर्निश्ड है, इनका लोन वगैरह का JDA अप्रूव्ड है, जिससे कि अपना ये HDFC, LIC, इंडस बैंक वगैरह से अप्रूवल है ये प्रोजेक्ट। तो ये एक कम कीमत में बेहतरीन डुप्लेक्स हैं, लग्जरी डुप्लेक्स विला हैं, कॉर्नर यूनिट है, कॉर्नर यूनिट का PLC चार्जेज है वो अलग है, इनकी रेट है 36 लाख रुपए, जो कि काफ़ी कम कीमत में एक बढ़िया मकान है। 36 लाख रुपए में JDA अप्रूव्ड दो मंजिला मकान है, जिसमें कि आपने देखा ही है नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, टॉयलेट है। वहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम हो गए, एक हॉल हो गया, एक टॉयलेट हो गया, और जो ये बीच वाला है उसमें पोर्शन में तीन बेडरूम हो गए। ये तीन बेडरूम प्लस तीन ही टॉयलेट हैं, और पीछे की गैलरी है वो उससे बड़ी है। इसी तरह से तीसरा जो पोर्शन है अपना, उसमें भी कुछ फ़र्क है, डिफरेंस है, वो आप ये वीडियो देखने से ही पता चलेगा। उसके अंदर भी वही टॉयलेट्स और पीछे की जो गैलरी है, बैक साइड की गैलरी है, वो थर्ड में बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी है, जो कि तकरीबन आप अलग से एक स्टोर भी बना सकते हो, इतना बड़ा है। तो वो ये आप देख सकते हैं फ्रंट सामने से, और ये अभी ऊपर जाने के लिए स्टेज। अभी हम चल रहे हैं थर्ड, अपना थर्ड पोर्शन, तीसरा मकान डुप्लेक्स, जो कि अभी हम जैसे ही चले वही सेम पोर्शन है, इसका पार्किंग एरिया वही सेम है। 72 स्क्वायर यार्ड में दो मंजिला स्वतंत्र मकान, 72 वर्ग गज, और तकरीबन कंस्ट्रक्शन इसका है 1400 स्क्वायर फीट बिल्टअप है, रेडी टू पजेशन है। ये देख सकते हैं आप, और इसमें ये टॉयलेट हो गया, कॉमन टॉयलेट, वही बेडरूम, और अभी आप इसकी गैलरी देखना आप,
रेडी टू पजेशन है। झोटवाड़ा से तकरीबन 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, रेलवे स्टेशन से 10-10.5 किलोमीटर और वैशाली से ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर पड़ जाएगा, हाइपर सिटी से 6-7 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं पीछे की गैलरी काफ़ी बड़ी है, जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस पीछे मिलता है, एसी फिटिंग है, ये आप देख सकते हैं। वही सेम फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए ग्रेनाइट से जीना है और ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। एक बेहतरीन प्लानिंग की गई है, ब्यूटीफुल हाउस, लग्जरी डुप्लेक्स विला, और ये आप देख सकते हैं कॉमन टॉयलेट जो इंडियन टॉयलेट है, और इसी में ऊपर ये इस कमरे में अटैच टॉयलेट है जो कि वेस्टर्न है, और तीन टॉयलेट है, तीन ही बेडरूम है, दो हॉल हो गए, एक मॉड्यूलर किचन हो गया। बिजली, पानी, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी का बोरिंग है, इसी से कनेक्शन है पानी के, और बिजली कनेक्शन भी है। बहुत अच्छी सोसाइटी है, आप देख सकते हो ऊपर। अभी हम छत से मैं इसका एरियल व्यू दिखाऊंगा आपको कि सारे मकान वगैरह बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं, सभी सर्विस क्लास के लोग हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और ऐसे अनेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने रिश्तेदार जानकारों को भी बताइए चैनल के बारे में। अभी हम चल रहे हैं टेरिस पे, और टेरिस से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं निवारू गांव की साइड का एरिया है, और ये आप देख पा रहे हैं पीछे, ये जो सामने आप दिखाई पड़ रहा है ये आप आ गया सामने फ्रंट में, और इधर से ये बीच से जो खाली जगह दे रही है ये पार्क है, JDA का पार्क, और ये हमारे राइट साइड में ये, और ये फ्रंट साइड से हम देख पा रहे हैं सामने मकान बने हुए हैं। और अभी इधर से पीछे की तरफ हम देखेंगे तो वो देखिए आप पीछे की साइड में, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, तो ये सेंट टेरेसा स्कूल, ये देखिए ये बिल्डिंग है, ये सेंट टेरेसा स्कूल है जो यहीं से दिखाई दे रही है। तो ऐसे अनेक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।